नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कविवर घनानंद जी के बारे में पिछले अध्याय में जो अध्ययन कर रहे थे, आज व्याख्या अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने रीतिकाल के रीति रस तरंगिणी पुस्तक में अपन ने नंबर एक कवि केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। नंबर दो अपन ने कविवर बिहारी जी के बारे में पढ़ा था। जो रीतिकाल के जो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कविवर बिहारी, जो रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते। नंबर तीन पे अपन घनानंद जी के बारे में पढ़ रहे थे। जो रीतिकाल के रीति मुक्त कवि कहलाते हैं, कविवर घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि, सुजान इनकी प्रेमिका है। सुजान के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण को देखा था। सुजान के प्रेम में इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम की छवि देखी। प्रेम का इन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही रूपों में श्रृंगार का चित्रण किया था, यानी श्रृंगार के दो रूप माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में इनकी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई। सुजान प्रेम व्याख्या में अपन ने प्रथम पैरा यानी पहला पैरा अपन ने पढ़ लिया। आज अपन दूसरा पैरा पढ़ते हैं। पहले पैरे में एक नायिका के द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा जाता है। किस प्रकार वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को अपनी आंखों में समाहित करके उन्हें भूल नहीं पाती है। अगले पैरे में देखिए, हीन भये जल मीन अधीन कहां कछुनो अकुलानी समाने। अकुलानी का अर्थ होता है व्याकुल। अकुलानी का अर्थ व्याकुल। अकुलानी का अर्थ व्याकुल। नीर सनेही को लाए कलंक, निशंक है कायर त्यागन प्राणे। काय का अर्थ यहाँ कमजोर लिया जाता है। प्रीति को रीति सुख क्यों समझ गड़नी के पानी पर को प्रमाणे। प्रमाणे का अर्थ दे देना होता है। प्रमाणे का अर्थ दे देना। देखिए आगे, मीत का अर्थ प्रेमिका। यहां या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जौवनी जान हो जाने। जौवनी का अर्थ जीवित रखने वाली औषधि। जो जीवित रखने वाली औषधि के रूप में अपन कह सकते हैं, जौवनी जीवित रखने वाली औषधि। देखिए अब यहाँ इस प्रकार घनानंद जी सुजान प्रेम को अभिव्यक्त उपमा के द्वारा कर रहे हैं। देखिए, हीन भय जल मीन अधीन कहां कछु मोह अकुलानी समाने। मेरी जो दशा है सुजान के बिना वो मछली के समान हो रही है, किंतु वो अपने आप को मछली से श्रेष्ठ मानते हैं। कैसे? हीन भये जल मीन अधीन। मीन का अर्थ मछली होता है। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली।
जिस प्रकार जल के अंदर मछली रहती है, कहां कछु मोह को लाने समाने। और मान लीजिए उस मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो छटपटाने लग जाती है, बड़ी व्याकुल होने लग जाती है। अर्थात घनानंद जी यह कहना चाह रहे हैं कि मेरी भी स्थिति, मेरी भी दशा उसी प्रकार की हो रही है। जिस प्रकार यदि जल से बाहर मछली को निकाल दिया जाए तो वो छटपटाने लग जाती है, यानी जिस प्रकार मछली पानी से प्रेम करती है उसी प्रकार घनानंद जी भी सुजान से प्रेम करते थे। यहाँ घनानंद जी के प्रेम की तुलना मछली और पानी से की गई है। मछली यहाँ घनानंद जी को, पानी यहाँ सुजान को अपन मान सकते हैं। देखिए, नीर सनेह को लाए कलंक, निशंक है कायर त्यागन प्राणे। अब यहाँ घनानंद जी मछली के लिए कह रहे हैं कि नीर सनेह को लाए कलंक, यानी मछली नीर मन जल पानी, मछली सदैव जल से प्यार करती है, यानी जल में ही रहती है। और यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो छटपटा के अपने प्राण तज देती है, कायर त्यागन प्राणे। किंतु यहाँ घनानंद जी कह रहे हैं कि वो मछली तो कायर है, जो अपने प्रेम के कलंक लगाती है, यानी वो जल के बिना नहीं रह पाती है। यानी मछली को यहाँ घनानंद जी ने कायर बताया है कि वो अपने प्रेम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। पानी के बाहर उसे निकाल दिया जाए तो वो अपने प्राण तर देती है, किंतु वो कारण बता रहे हैं कि मछली कायर क्यों है। प्रीति को रीति सुख क्यों समझे, जड़ मीत के पानी पर एक को प्रमाणी। यानी वो प्रेम को ही रीति समझ के वो जड़ बन जाती है और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्राण दे देती है। किंतु यहाँ घनानंद जी कह रहे हैं, मैं भी मेरी प्रेमिका को पाने के लिए प्राण दे सकता था, किंतु मैंने मेरे प्रेम को अजर अमर बनाने के लिए मैंने वियोगावस्था में मैं तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ सुजान के बिना, किंतु फिर भी मैं मछली की तरह, उस कायर मछली की तरह अपने प्राण में नहीं तज सकता हूँ। या मन की जो दशा, घन आनंद जीव की जो बनी जान हो जाने। और घनानंद जी कह रहे हैं कि अब मेरे मन की जो स्थिति है, मेरे मन की जो दशा है, वो तो केवल जो सुजान प्रेमिका थी उसकी यादें ही मुझे एक जीवित रखने वाली औषधि का कार्य कर रही है। यानी घनानंद जी कह रहे हैं, मैं सुजान से प्रेम करता था, अब मैं उससे अलग हो गया, वियोगावस्था हो गई, तो अब मेरे जीवन में मुझे जीवित रखने के लिए एक तरह की औषधि जो मेरी प्रेमिका सुजान की यादें है, वो वियोग है, वो वियोग ही मुझे जीवित रखने की औषधि प्रदान कर रहा है। यहाँ पे घनानंद जी ने अपनी तुलना मछली से की, किंतु यहाँ उन्होंने मछली से श्रेष्ठ अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ये दूसरी व्याख्या, दूसरा पैरा सुजान प्रेम का। अब देखिए अगली व्याख्या। आखिन मुंदी वो बात दिखावत, सोवत सोवनी जागनी बात ही पे खिले, बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूलो कहां तो अलेख ही लेखिले, बात की बात सुबात बिचारियो, सच्चमता सब ठोर विषय के ले, नैननी कानूनी बीच बसे, घन आनंद मौन बखान सुदेखिले। घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान को अभिव्यक्त करते हुए कहे कि आखिन मुंदिबो, मुंदिबो को अर्थ होता आंखें बंद कर लेना, मुंदिबो को अर्थ आंखें बंद कर लेना, बात दिखावत यानी अपनी बात बनाना, सोवनी जागनी बात पे किले यानी सोते हुए जगते हुए उसकी बातों को देखना, बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहां तू अलेख
अलेकई, जिसका वर्णन, जिस चित्र का लेखन वर्णन नहीं किया जा सकता है। बात की बात सुबात विचारिए, सुबात मतलब अच्छी बात के लिए विचारिए। सत्समता सब ठोर विषय के लिए, विषय की का मतलब भूल जाना। नैननी काननी बीच बसे, काननी का मतलब कान, नैननी का मतलब आंख। घन आनंद मोन बखान सुदेखे ले, यहाँ पे घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान के लिए इस प्रकार अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। उसका वर्णन घनानंद जी करते हुए कह रहे हैं कि आखिन मूंदी वो बात दिखावत, यानी आंखें बंद करने से मेरी बात बन जाए, या बात को, मेरी बात को मैं आंखें बंद करके मनवाना चाहता हूं। सोवनी जागनी बात ही पेखी ले, यानी मैं तो मेरी आंखें बंद करता हूं, या सोता हूं या जागता हूं, सदैव मुझे तो केवल केवल प्रेमिका सुजान का रूप सौंदर्य ही नजर आता है। यानी कहने का तात्पर्य घनानंद जी यह कहना चाह रहे हैं कि आंखें मुंद भी बात दिखावत, सोवन जागते बात ही पेखिले, कि मैं सोता हूँ जागता हूँ आंखें बंद करता हूँ आंखें खोलता हूँ, किंतु सदैव मुझे तो मेरी प्रेमिका सुजान का ही रूप सौंदर्य नजर आता है। यानी सदैव जो घनानंद जी ने सच्चा प्रेम सुजान से किया था वो रूप ही घनानंद जी को नजर आता है। बात स्वरूप अनूप अरूप है, और जब घनानंद जी कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में सोचता हूँ, तो उनकी बातें, उनका रूप सौंदर्य चित्रण स्वरूप यानी संयोग की अवस्था के समय जो रूप सौंदर्य घनानंद जी सुजान का देखा करते थे, यहाँ स्वरूप यानी संयोगावस्था में, संयोग के समय, क्योंकि प्रेम की दो अवस्थाएं होती है, संयोग और वियोग। वियोग, वियोग प्रेमी प्रेमिका जब बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो दशा वियोगावस्था या वियोग की कहलाती है। जब प्रेमी और प्रेमिका एक संग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, श्रृंगार का भाव उनमें एक साथ भरा रहता है, वो अवस्था संयोग की कहलाती है। यहाँ स्वरूप संयोगावस्था का शब्द है, यानी संयोग के समय जब घनानंद और सुजान यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका एक संग एक साथ रहते थे, कि बात स्वरूप अनूप अरूप है। यानी जब आप मेरे साथ थे उस समय की तो बात ही बड़ी अनुपम है, अरूप है, यानी रूप रहित तो उसका तो मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे व्याख्या करूं, उस सौंदर्य का कैसे चित्रण में कर सकता हूं, कि हे प्रेमिका मीत सुजान, जब तुम मेरे संग थी उन आनंद के पलों का, उन आनंद के क्षणों का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं, ये तो संभव ही नहीं है। भूलो कहां तू अलेख लेखी ले, घनानंद जी करे हे प्रेमिका हे मीत सुजान, अपनी संयोगावस्था की दशा को मैं भूल नहीं पाता हूं। मैं जब तू और मैं यानी सुजान और घनानंद साथ रहते थे अलग ही लेखी ले, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। वो तो आनंद के क्षण, संयोगावस्था के क्षण बड़े ही विचित्र थे। बात की बात सुबात विचारिए, और हे प्रेमिका सुजान, जब रात में तू और मैं यानी दोनों अपन बातें करते थे, वो मीठी मीठी बातें बहुत ही आनंददायी थी। सत्समता सब ठोर विषय के लिए,
और हर एक जगह मुझे अच्छी लगती थी। यानी जब तुम मेरे संग थी तब आनंद ही आनंद भरा हुआ था। नैन निकानन बीच बसे और तुम्हारी प्यारी छवि, तुम्हारी प्यारी बातें वो मेरी आंखों में और कानों में आज भी घूम रही है, आज भी बसी हुई है। यानी जो मीठी मीठी बातें और रूप सौंदर्य श्रृंगार का खजाना जो सुजान थी, वो श्रृंगार सौंदर्य यौवन उनकी आंखों में और उनकी मीठी मीठी बातें उनके कानों के बीच में बसी हुई है। घन आनंद मौन बखान सु देखे ले। और ये सारा रूप सौंदर्य, ये संयोग अवस्था की स्थिति का चित्रण घनानंद जी मौन बखान यानी मन ही मन मेरे मन में समाहित है उसी को आप देख सकते। तो आज अपने सुजान प्रेम में घनानंद जी के प्रेम की संयोग अवस्था का चित्रण किस प्रकार सुजान के संग जो उनकी आनंद पल भरी स्थितियां थी उसके बारे में जाना। अगली कक्षा में अपन और आगे देखें।